जब इस देश में तमाम विपक्षी के लोग प्रधानमंत्री बनने की बात कर सकते हैं, तो हमारे नेता अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो क्या बुरा करते हैं, तकलीफ है। बीजेपी के साथ आते ही ओम प्रकाश राजभर के तेवर सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। पहले राजभर दिल्ली वाली ख्वाहिश की बात करते थे। दिल्ली वाली ख्वाहिश मतलब राजभर चाहते थे कि दिल्ली में उनकी मौजूदगी हो, लेकिन अब तो राजभर सीधा मुख्यमंत्री पद की बात कर रहे हैं। दरअसल सोमवार को राजभर बलिया पहुंचे और यहां मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया। राजभर से सवाल किया गया कि आपकी पार्टी के लोग तो मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। इस पर राजभर ने कहा, मंत्री जी मन से 2027 में आपको मुख्यमंत्री बनाने की भी बात यहाँ उठी कि 2027 में हमारे ओम प्रकाश राजभर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। जब इस देश में तमाम विपक्षी के लोग प्रधानमंत्री बनने की बात कर सकते हैं, तो हमारे नेता अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो क्या बुरा करते हैं, तकलीफ है। तो राजभर कहते हैं कि लोग प्रधानमंत्री बनने की बातें कर सकते हैं, तो क्या हम मुख्यमंत्री की नहीं कर सकते, दिक्कत क्या है? लेकिन अब सवाल ये कि क्या राजभर की नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है? वही राजभर लगातार बड़ा खेल करने की बात कह रहे हैं। देखते जाइए ना, अभी कल एक खेल होगा, परसों कुछ दिन के बाद फिर खेल होगा, तो राजनीति में तो खेले ना है, कभी वॉलीबॉल, कभी फुटबॉल, कभी क्रिकेट, खेल होता रहता है। तो एक तरफ ओम प्रकाश राजभर खेल की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ सीएम बनने के लिए भी इच्छा जता रहे हैं। मंत्री जी मन से 2027 में आपको मुख्यमंत्री बनाने की भी बात यहाँ उठी कि 2027 में हमारे ओम प्रकाश राजभर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। जब इस देश में तमाम विपक्षी के लोग प्रधानमंत्री बनने की बात कर सकते हैं, तो हमारे नेता अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो क्या बुरा करते हैं, तकलीफ है। अब ऐसे में आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।